हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम किचन। आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही डिलीशियस थ्री मिल्क टॉफ़ी कैरेमल केक, जिसको बनाना बहुत आसान है। तो देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। यहाँ हम थ्री मिल्क रेडी करेंगे। एक कप दूध लिया है, हाफ कप क्रीम ली है और 3/4 कप शुगर लिया है। यहाँ मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी आप हाफ क्वान्टिटी इसकी बढ़ा दें। यहाँ पर तीनों चीज़ों को मैंने एक बाउल में ले लिया है, या आप इसको इलेक्ट्रिक बीटर से या हैंड विस से अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लें। यहाँ मैंने स्पंज रेडी करके रखा है। अगर आप लोगों ने मेरी स्पंज की रेसिपी नहीं देखी तो मैं आई बटन में डाल दूँगी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं स्पंज को अच्छी तरीके से सोक कर लूँगी थ्री मिल्क के साथ। फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। यहाँ पर मैंने 1 कप विपे विप क्रीम ली है, इसको अच्छी तरीके से हम बीट कर लेंगे। यहाँ ये बहुत अच्छी सी बीट हो गई है। अब हम अपना टॉफ़ी कैरेमल तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने शुगर लिया है 1/2 कप। यहाँ पर 40% जब तक शुगर हमारी मेल्ट नहीं हो जाती हमने इसके अंदर कोई चम्मच नहीं चलाना है, और इसको बहुत अच्छा सा लाइट सा कलर देना है। 1/2 कप पानी डालना है, घबराना नहीं है, ये अभी सारी मेल्ट हो जाएगी पानी के साथ। यहाँ मैं टेट्रा पैक की क्रीम ले रही हूँ ऑल पर्स की। आपने हैवी क्रीम नहीं लेनी, विपी विप क्रीम नहीं लेनी है कोई भी, आपने सिंपल ये वाली क्रीम लेनी है। और इसको विस्क की हेल्प से अच्छी तरीके से विस्क करना है, और मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है। फ्लेम को कभी तेज़ करना कभी लो करना, क्योंकि वरना ये फ़ौरन से बाहर आ जाएगा। इतना करना है कि ये थिक हो जाए और हमारे केक पर ठहर जाए। जब ये इस स्टेप पे आ गया दैट्स मीन कि ये अब थिक होना शुरू हो गया है। यहाँ ये थिक हो चुका है। अब हमारे यहाँ पे स्पंज भी तैयार है, कैरेमल भी तैयार है और क्रीम भी तैयार है। बहुत आराम से आपने शिफ्ट करना है इसको अपने स्टैंड पर, केक स्टैंड पर, और इसको क्रीम से कवर कर लेना है। क्रीम आपने एक साथ सारी नहीं डालनी, थोड़ी थोड़ी करके आपने क्रीम डालनी है और इसको अच्छे से कवर कर लेना है। यहाँ ये कवर हो गया है। अब मैं इसके ऊपर कैरेमल जो है हमारा टॉफ़ी कैरेमल वो डाल दूँगी, और यहाँ पर मैं पाइप से पाइपिंग सॉरी क्रीम जो है वो पाइप कर दूँगी। मैंने स्टार नोज़ल लिया है, और मैंने जो थिक कर दी थी कैरेमल थोड़ी, तो उससे मैंने हल्का सा इसको ऊपर डाल दिए। और डिज़ाइन देते हैं, अगर आप चाहें तो देना दे सकते हैं। यहाँ ये बहुत डिलीशियस सा केक जो है हमारा तैयार है।